बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट ये लिखी हुई है, मैं पढ़ देता हूँ। अ क्लोज्ड बॉक्स विथ स्क्वायर बेस, ठीक है, एक बॉक्स है, उसकी बेस क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब होता है उसकी लेंथ और विड्थ क्या होती है, इक्वल होती है। हुज वॉल्यूम इज 12 मीटर क्यूब, ठीक है, एक बॉक्स है, उसकी लेंथ और विड्थ सेम है और उसका वॉल्यूम कितना है, 12 मीटर क्यूब है। मस्ट बी बिल्ड विथ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल, एक बॉक्स को हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है टू टाइप्स ऑफ मटीरियल के साथ, ठीक है, उसमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल यूज किए हुए। द टॉप कवर विल बी मेड ऑफ मटीरियल दैट हैज अ कॉस्ट ऑफ $2 per meter cube, ठीक है, जो बॉक्स का टॉप है, ठीक है, ये एक बॉक्स है, ये आपके पास एक बॉक्स है, इसका टॉप ये वाला रीजन बनता है, ठीक है। वो कहता है ये वाला जो आपने ऊपर वाला टॉप बनाया है, जिस मटेरियल से बनाया उसकी कॉस्ट कितनी है, $2 है, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ड देयर अ कॉस्ट ऑफ $1 per meter cube, जो बाकी सारा जितना भी बॉक्स है उसमें जो मटेरियल यूज किया उसकी कॉस्ट कितनी है, $1 है, ठीक है। कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स फॉर द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल टू बी टिनी, आपने क्या करना है, बॉक्स की डायमेंशंस मतलब लेंथ विड्थ एंड हाइट फाइंड करनी है सच दैट कि मटेरियल की कॉस्ट टिनी आई, ठीक है, उसकी कॉस्ट कम से कम आए, ठीक है, छोटी सी कॉस्ट आई मतलब है। तो अब हमारे पास गिवन क्या है कि उसका जो टॉप है वो एक मटीरियल से बना है, उसकी कॉस्ट कितनी है, $2। मैं लिख लेता हूं यहां पर इसका क्या है, ठीक हो, ये आपके पास टाइप वन मटेरियल, ठीक है, इसकी कॉस्ट कितनी है, $2, ठीक है। बाकी जो सारा है उसकी कितनी बनेगी, टाइप टू, मैं उसको टाइप टू लिख देता हूं, उसकी कॉस्ट कितनी है, $1, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास वॉल्यूम, कि इसका वॉल्यूम कितना है क्यूब का। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है, जी आपके पास लेंथ विड्थ और हाइट है। सो हमारे पास गिवन क्या है, क्लोज बॉक्स जिसकी स्क्वायर बेस है, तो मैं सपोज कर लेता हूं जो इसकी लेंथ है, उसने कहा स्क्वायर बॉक्स है, इसकी मतलब लेंथ और विड्थ आपके पास क्या है, सेम है, ठीक है, इक्वल है। सपोज कर लेता हूं ये एक्स के इक्वल है, पीछे क्या रह गया, हाइट, तो हाइट को मैं कह देता हूं वो आपके पास एक वाई वेरिएबल के इक्वल है। अब देखिए एक्स लेंथ भी एक्स है, विड्थ भी एक्स है और हाइट क्या है, वाई के इक्वल, तो आपके पास जो वॉल्यूम बनता है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाता है, लेंथ विड्थ और हाइट, ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर वाई। गिवन क्या है, वॉल्यूम कितना है, 12 मीटर क्यूब, तो ये आपके पास कितना आ गया, 12, ठीक है जी। आपके पास एक इक्वेशन आ गई, यहां से हम लोग वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आता है 12 over x square, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, ठीक हो गया। अब देखें हम लोगों ने क्या करना है, कोस्ट निकालनी है उसकी, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ मटेरियल उसका सरफेस एरिया कितनी कोस्ट लगेगी, सरफेस एरिया होगा ना, कि हम लोग उसका अगर सरफेस एरिया निकाल के कोस्ट का हम लोग कंस्ट्रेंट बना सकते हैं, तो इसकी आपके पास हम लोग कंस्ट्रेंट बनाते हैं, सरफेस एरिया पहले फाइंड करते हैं ना, इसके सरफेस एरिया, उससे हम लोग इसकी क्या बनाएंगे, कॉस्ट कंस्ट्रेंट बनाएंगे। तो यहां पे देखें टॉप का, टॉप में आपके पास कितना है, एक्स $2 कॉस्ट आएगी, ठीक है, हम लोग एक तो बना लेते हैं सरफेस एरिया, यहां से मेरे इसको ये आपके पास सेव कर लेते हैं, वाई इज इक्वल टू 12 over x square, इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, बाकी सर मैं रेस करता हूं। अब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब है, मतलब हर साइड का आपने एरिया लेना है और सबको जमा कर लेना है। एक क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं हमें पता है, 6 साइड्स होती हैं, एक टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट। अब देखिए जो टॉप है उसकी कॉस्ट कितनी है मटीरियल की, $2, और जो बाकी सब की है वो क्या है, $1, $1। तो मैं लिख लेता हूं टॉप, सरफेस एरिया ऑफ टॉप प्लस सरफेस एरिया ऑफ बॉटम, ठीक है, नेक्स्ट
प्लस सरफेस एरिया ऑफ द साइड्स। अब देखिए एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू वेट। टॉप में आपके पास क्या आती है, लेंथ और वेट आती है, मतलब आपके पास लेंथ भी एक्स थी वेट भी एक्स थी, तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर। बॉटम में भी वही आएगा, लेंथ इनटू वेट आएगा वो एक्स स्क्वायर। और देखिए साइड्स में क्या आता है, साइड्स में किसी में लेंथ इनटू हाइट आ रहा है, किसी में विड्थ इनटू हाइट आ रहा है। अगर लेंथ इनटू वेट आएगा, लेंथ इनटू हाइट आएगा तो फिर भी आपके पास लेंथ इनटू हाइट आएगा तो फिर भी एक्स वाई आएगा। अगर विड्थ इनटू हाइट आता है तो फिर भी आपके पास क्या आता है, एक्स वाई आता है। अब देखिए बाकी साइड्स कितनी बच गई, चार साइड बन गई, हर साइड का एरिया क्या आता है एक्स वाई आता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा ये फोर एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो आपके पास सरफेस एरिया बना, हम लोगों ने क्या बनाना था, इसकी कोस्ट बनानी है। ठीक कि ये टॉप के लिए कितना बनता है, इसकी कोस्ट कितनी है, साइड्स की कोस्ट कितनी आती है। अब देखिए टॉप के लिए क्या आता था, टॉप का सरफेस एरिया ना, तो टॉप के लिए कितने डॉलर थे, टू डॉलर। ठीक है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा कोस्ट, और ये इसके साथ टू डॉलर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और बाकी बॉटम, बॉटम क्या था दूसरा टाइप का मटेरियल, उसकी कोस्ट कितनी थी वन डॉलर, तो वन मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वन एक्स स्क्वायर। और ये क्या आती साइड्स, ठीक है वो भी उनके भी कॉस्ट क्या आती है वन, तो वन मल्टीप्लाई करेंगे और ये फोर एक्स वाई ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए यहां पे हमारे पास वाई की वैल्यू, यहां से वाई हम लोग यहां पे पुट करते हैं ताकि यहां से आपके पास ये इलिमिनेट हो जाए वाई। यहां से टू एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई की वैल्यू ट्वेल्व ओवर एक्स स्क्वायर। ये आपके पास कितनी आ जाता है c इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 48 ओवर x। ये आपके पास कॉस्ट आ गई किसमें, x की फॉर्म में। अब हम लोगों ने क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल्स टू बी t, x की मिनिमम वैल्यू निकालनी है जिसकी वजह से ये क्या आ जाएगा c मिनिमम आएगा। अब देखो x की मिनिमम, c की मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव लगाएंगे सेकंड भी लगा सकते हैं। ठीक है, कि x की वैल्यू वो वाली फाइंड करनी जिससे c कम से कम आए, तो हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव इसका लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, कितना आ जाएगा सिक्स एक्स माइनस 48 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वल टू क्या रखते होते हैं जीरो के, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स एक्स क्यूब माइनस 48 इज इक्वल टू जीरो, सिक्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू 48। नेक्स्ट आपके पास क्या बन जाता है, ये एक्स क्यूब इज इक्वल टू 48 ओवर सिक्स, ये कितना एट पे जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू एट, सो ये इंप्लाइज करता है एक्स क्यूब इज इक्वल टू टू की पावर थ्री क्या होती है एट होती है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई टू आ गई। ठीक है, अब देखना ये है क्या ये एक्स इज इक्वल टू टू पे मिनिमम वैल्यू आती है या मैक्सिमम वैल्यू आती है, क्योंकि ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट पे या तो मिनिमम आती है या मैक्सिमम, तो उसके लिए हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं। अगर तो इस पॉइंट पे सेकेंड डेरिवेटिव क्या आ गया आपके पास पॉजिटिव आ गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा ये मिनिमम, इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू होगी। अगर क्या आती है सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू इस पॉइंट पे माइनस में जीरो से छोटी आती है तो वो क्या हो जाएगी आपके पास मैक्सिमा, इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी कोस्ट की। तो सेकंड डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है, इसका दोबारा डेरिवेटिव लिया तो फर्स्ट टर्म का एक्स सिक्स आ गया, इसका कितना आ जाएगा 96 ओवर एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसको किस पे एक्स इज इक्वल टू टू पुट करना है, यहां पे यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास प्लस, एट एक्स इज इक्वल टू टू ये क्या आ जाएगा सिक्स प्लस 96 ओवर एट। जी देखिए ये भी पॉजिटिव रकम है, ये भी पॉजिटिव टर्म है, तो ये इन दोनों का सम क्या आ जाएगा ग्रेटर देन जीरो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एक्स इज इक्वल टू टू पे आपके पास क्या होता है मिनिमम एग्जिस्ट करता है। दिस इंप्लाइज दैट कॉस्ट इज
मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू टू, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे इस एक्स को यहां पे पुट करेंगे, वाई की वैल्यू निकल आएगी आपके पास, वाई इज इक्वल टू 12 ओवर 4, दिस इंप्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू निकल आई, और हम लोगों ने हमारे पास जो सी का था वो आपके पास था 3x² + 4xy, ये इक्वेशन थी। इसमें ले जाकर आपके पास x और y की वैल्यू पुट कर दो, 3 × 4 + 4 × 2 × 3, तो ये कितना आ जाएगा 12 + 8 × 3 = 24 = $36। तो आपके पास कॉस्ट कितनी आई, $36 ही आपके पास मिनिमम कॉस्ट आई, किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 1 और y x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आज का यही हम लोगों ने निकालना था मिनिमम, आपने कॉस्ट मिनिमम बतानी है कि आपके पास कॉस्ट x और डायमेंशंस बतानी थी ना, डायमेंशंस हमारे पास क्या थी कि मिनिमम कॉस्ट है, लेंथ इज इक्वल टू वेट, इसको हम लोगों ने x के इक्वल रखा था ना, तो x की वैल्यू क्या आई है 2, और हाइट हम लोगों ने क्या रखी थी, हाइट को हम लोगों ने y के इक्वल रखा था, y की वैल्यू कितनी है 3, तो हमारे पास लेंथ कितनी आई 2, विड्थ कितनी हो 2 और हाइट कितनी हो 3, अगर ये आपके पास डायमेंशन हो तो इसके साथ आपके पास मिनिमम कॉस्ट कितनी आती है $36, ठीक है। तो आज का हमारे पास यही क्वेश्चन था, अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके हम लोगों से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।